उत्तर प्रदेश के राजधानी के शॉपिंग मॉल की दुकानें नहीं खुलेंगी। आपको बता दें, लॉकडाउन अवधि के किराए एवं कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क को माफ करने एवं भविष्य के 12 माह के लिए दोनों मद में कमी करने की मांग को लेकर राजधानी के प्रतिष्ठित बड़े शॉपिंग मॉल के व्यापारी अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया, राजधानी के प्रतिष्ठित मॉल्स के व्यापारियों ने निर्णय लिया है, जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वह दुकानें नहीं खोलेंगे। गुप्ता जी ने बताया है कि माल में इतनी समस्या आ रही माल व्यापारियों को, वो बिजली के बिल, किराया और जो भी सारी समस्या है, दुकान लेबर का किराया नहीं निकल पा रहा है और प्रशासन या दुकान मालिक इतना किराया होने के बावजूद भी उनको किराया माफ नहीं हो रहा। इस लिहाज को देखते हुए अगर माल व्यापारियों की समस्या को तुरंत समाधान नहीं होता तो आज से पूरे उत्तर प्रदेश में माल व्यापारी अपनी दुकान अनिश्चित काल के बंद करेंगे। अब आइए जानते हैं संजय गुप्ता जी से क्या कहना है उनका। धन्यवाद। जो माल आपने बंद करने का ऐलान किया है उसका क्या मकसद है? लॉकडाउन के चलते देश के व्यापारियों के सामने किराए के भुगतान, कर्मचारियों की तनख्वाह, बैंकों के ब्याज की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में सभी व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो मॉल के व्यापारी हैं इनकी समस्या दुगनी है, क्योंकि इनका किराया अत्यधिक होता है और साथ ही साथ किराए के साथ साथ इन्हें कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क भी देना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको अब व्यापार में टिके रह पाना बहुत मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ ये व्यापारी यह भी मान रहे हैं कि अब संक्रमण की चिंता के चलते मॉल में जनता कम आएगी, ग्राहक कम आएंगे, ऐसे में भारी भरकम किराया दे पाना इनके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए ये मॉल के जो व्यापारी हैं ये मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि का किराया और मेंटेनेंस शुल्क मॉल प्रबंधन पूरी तरीके से माफ़ करे और आगे का 1 साल के लिए किराया और मेंटेनेंस शुल्क को कम कर दे, ताकि वो व्यापार में टिके रह जाए। दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर ये लोग अपनी दुकानों को छोड़ते हैं तो दुकानों को छोड़ने की स्थिति में इनके जो लाखों रुपये का इंटीरियर लगा है, फर्नीचर लगा है, डेकोरेशन लगा है, वो सब जीरो हो जाएगा। तो एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है। इस समस्या से त्रस्त होकर के पूरे राजधानी के मॉल के व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक मॉल के दुकानदार अपनी दुकानों को नहीं खोलेंगे। और आज ये मुहिम राजधानी लखनऊ से शुरू होकर के नोएडा, कानपुर, बरेली, गोरखपुर तक पहुंच गई है। वहां पर भी आज शॉपिंग मॉल की दुकानें बंद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।